बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी से कैसे लड़ेगी कांग्रेस? आप जब इतनी बड़ी कहती है तो इतनी पे इतना जोर क्यों देते हैं? कितनी बड़ी है? मोदी युग क्या है? लगे कि प्रधानमंत्री आया है। मैं स्वागत करूंगा, मुझे बेहद खुशी होगी सुधांशु भाई, मुझे लगेगा मैंने जिसके साथ बहस की आज वो प्रधानमंत्री है, मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों आपके सामने अगर आपका जो बॉस है बॉस के खिलाफ कोई बात करे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत खराब लग सकता है ना, लेकिन जो बॉस के खिलाफ बात किया वो सही बात किया अगर ऐसा होगा तो कैसा लगेगा? ऐसा एक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं मेरे दोस्त। आज मोदी जी के बारे में इमरान प्रताप गोयल ने ऐसा एक बात कहा है कि मोदी भक्तों को इतना लग गया है कि क्या बताओ आपको। वीडियो बहुत खूबसूरत है इसलिए उम्मीद है वीडियो आखिर तक देखेंगे, और बहुत छोटा सा वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कबीर रिएक्शन। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोस्तों बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों इमरान प्रताप गोयल बहुत पढ़ा लिखा एक इंसान है और कांग्रेस का इस वक्त राज्यसभा का मेंबर है, और बहुत खूबसूरत बयान रखते हैं, बहुत खूबसूरत मुशायरा भी करते हैं। और उनका आज का जो वीडियो है वो है चित्रा त्रिपाठी के साथ है, और चित्रा त्रिपाठी को इस तरह का जवाब दिया है कि आप देखते रह जाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ। अगर दोस्तों आप लोग ने मेरा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरा हर वीडियो के अपडेट पहले आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि लोगों को पता चले कि बीजेपी पार्टी में कौन ज्यादा शिक्षा वाला है और कौन शिक्षा वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ, लेट्स प्ले द वीडियो। पिक्चर चालू करो भाई। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी से कैसे लड़ेगी कांग्रेस? आप जब इतनी बड़ी कहती है तो इतनी पे इतना जोर क्यों देते हैं? कितनी बड़ी है? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। 1231 विधायक उनके हैं, 700 कुछ विधायक हमारे, इतनी भी बड़ी नहीं है ना। हार जीत उतार चढ़ाव राजनीति का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है। बात तो सही है। इसे हम भी स्वीकार करते हैं, इसे इन्हें भी स्वीकार। मोदी युग लेकिन ये स्वीकार लगातार ग्राफ गिरा नहीं। मोदी युग पार्टी का युग क्या? युग या तो सतयुग होता है, या तो द्वापर होता है, या तो कलयुग होता है, या तो त्रेता होता है। मोदी युग क्या है? यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं भी ये मानता हूँ कि आप मोदी जी से ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा डिग्रियां हैं आपके पास, आपको प्रधानमंत्री होना चाहिए। वह क्या सीन है? लेकिन आप नहीं है। सबसे ज्यादा डिग्रियां किसके पास थी? आप नहीं है, मनमोहन सिंह के पास थी ना। तो कहा हुआ बने ना, कहा हुआ साल बताइए आपके पास भी आप बन जाइए। बात करिए, बात बोलो से आप बना दे, लगे कि प्रधानमंत्री आया है। मैं स्वागत करूंगा, मुझे बेहद खुशी होगी सुधांशु भाई, मुझे लगेगा मैंने जिसके साथ बहस की आज वो प्रधानमंत्री है, मुझे अच्छा लगेगा। बंद करो हाथ छोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मजा आया मेरा दोस्त, ये बहुत छोटा सा वीडियो था, बहुत छोटा सा, लेकिन इस छोटा सा वीडियो में जो शिक्षा मिला है, जो इमरान प्रताप गोयल साहब ने जो बात किया है, क्या बताओ यार, इससे बड़ा धुलाई और क्या हो सकता है कि खुद उसी पार्टी में इतना शिक्षा वाला लोग है और फिर भी इतना अनपढ़ गवार को प्राइम मिनिस्टर बना के रख दिया, तो देश तो बर्बाद होते ही रहेगा। इमरान प्रताप गोयल ने अच्छी बात कहा, मुझे तो बहुत अच्छी लगा है, पर आपको कितना अच्छा लगा है जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। और ये जो चित्र त्रिपाठी है, किस तरह मोदी युग, इतना बड़ा पार्टी किस तरह बात कर रही है, इसको कहते हैं अंधोपत और मोदी मीडिया इसी को कहते। अरे भाई आज उनका टाइम है, कुछ अंधो भक्त ने उनको सपोर्ट कर लिया है, उसमें कौन सा बड़ी बात है? और सुधांशु त्रिवेदी बात कर रहा है, मनमोहन सिंह का सबसे पढ़ा लिखा आदमी है, अरे तो 10 साल प्राइम मिनिस्टर बना था ना, यही है ना। अगर एक पढ़ा लिखा वाला को छोड़ के बिना पढ़ा लिखा वाला को आप इतना बड़ा पोस्ट दे देंगे
तो उसने इस पोस्ट का फायदा तो नहीं उठा सकता है, इसका गलत फायदा उठा सकता है, सही फायदा नहीं उठा सकता है। यही पढ़ा लिखा वाला और बिगर पढ़ा लिखा वाला में से फर्क है। आज इतना ज्यादा पढ़ा लिखा वाला लोग देश में मौजूद है, और एक चाय वाला जब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो उसका क्या समझ में आएगा कि देश को किस तरह चलाने से क्या फायदा मिलेगा? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है भाई कि एक चाय वाला को देश का प्रधानमंत्री, हाँ हो सकता है, बन गया है और दूसरी बार बन गया, अभी तीसरी बार बनने वाला है। तो क्या समझा आपने कि देश कहाँ जाकर पहुंच रहा है? और किसी ने सही कहा था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो एक अनपढ़ गवार को देश का बड़ा किसी पोस्ट में बैठा दीजिए, देश बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। अरे सेम ऐसा ही हो रहा है। अगर मैं देश का किसी बड़ा पोस्ट में मेरे को बैठा दिया जाएगा तो मैं थोड़ी उस पोस्ट को संभाल पाऊंगा कि उतना शिक्षा, इस पोस्ट के लिए मेरा उतना शिक्षा है। मेरे को अगर आईएएस का पोस्ट दिया जाएगा तो मैं थोड़ी संभाल पाऊंगा उस पोस्ट को, क्योंकि आईएएस मैं नहीं हूं, आईएएस उतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो इस तरह अगर जिस जगह आपके लिए काबिल है उसी जगह से बड़ा जगह आपको मिल जाएगा तो आप उस पोस्ट को फायदा नहीं उठा सकते हो, बल्कि उस पोस्ट का गलत फायदा उठा के उस पोस्ट की बेइज्जती कर सकते हो। इस तरह हमारा देश में अभी चल रहा। तो आप कितना सहमत हो इमरान प्रतापगढ़ी से हमको जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपका प्यारा चैनल। चलो दोस्तों, मिलता हूं किसी और एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए।